इस हिसाब से बात करते हैं ना फिर आप, लेकिन आप लोग भी आपस में बैठे हैं, लोगों से करें जगह दें, आप लोगों के बच्चों के फ्यूचर भी क्योंकि आपके बच्चे पढ़ेंगे, आप लोगों को फायदा होगा, ठीक है। आज इस चीज़ को नहीं सोच रहे, ठीक है। इनरोलमेंट बढ़ेंगे, सबने इधर रहना है, बच्चे बढ़ेंगे तो हमने ऊपर जाने के लिए आर्किटेक्चर दिया हुआ है। कॉलेज या यूनिवर्सिटी तो है नहीं है कि इसके लिए हमें 15 कनाल, 20 कनाल या 100 कनाल चाहिए। 3 कमरे ही तो है, वो भी 14-20 के हैं। सबसे इससे छोटा साइज तो हमारे क्लासरूम होता ही नहीं है सर। उसके सबसे छोटा क्लासरूम 14-20 के जो तैयार हो सर। कि असल मसला ये है, यहाँ पे लोगों के पास इतनी ज़मीन नहीं है। हमें रिक्वायरमेंट है प्राइमरी स्कूल की। हमारी जो गवर्नर साहब को हमने रिक्वेस्ट भी किया था कि हमें प्राइमरी स्कूल चाहिए, हर गाँव में एक प्राइमरी स्कूल है। सर में बिल्कुल महदूद आबादी है, तो इस वजह से यहाँ पर हाई स्कूल भी है ऑलरेडी, मिडिल स्कूल भी है, वहाँ तक अप्रोच है, पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हर गांव में प्राइमरी स्कूल सिर्फ छोटे बच्चों के लिए कि उनकी केयर कर सकें। टूरिस्ट आते हैं, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, वो दूसरे गांव में जा नहीं सकते, तो हमारी रिक्वायरमेंट ही प्राइमरी स्कूल की। अब गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर आया वो था मिडिल स्कूल का, जिस पे टेंडर हुई है 1 करोड़ के, वो मिडिल स्कूल के, तो हमें रिक्वायरमेंट मिडिल स्कूल की नहीं, मिडिल नहीं है प्राइमरी। वो कहते प्राइमरी है, लेकिन कल वो एजुकेशन मिनिस्टर साहब भी आए थे, उसने कहा कि हम एहतियातन रखते हैं कि इसको थोड़ी बड़ी जगह, बाद में ये अगर मिडिल करना पड़े तो बल्तिस्तान में हर जगह में जमीन नहीं मिल रही है। सिर्फ इतना बोलो, प्राइमरी क्लास में कितने क्लास होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 क्लास, 5 क्लास, 1 से लेकर 5 क्लास जमात पढ़ते हैं, उसको हम प्राइमरी कहते हैं, छठी को नहीं कहते, नहीं कहते हैं। तो कितने क्लास होना चाहिए? 5 होना चाहिए। बाकी 4 गांवों में आप 2 कमरे बना के पढ़ा रहे हैं, हमारी 3 बनाए, 3 रखा है। मेरी बात सुनो, 2 कमरे फिर भी कम है। मेरी बात सुनो, अगर पहले एक काम गलत हुआ है तो उसको आगे गलत तो नहीं करना, ठीक है। आप लोगों के पास जमीन नहीं है, कहाँ से दे यार? पहले ये होता था ना, वो क्राइटेरिया वो बहुत पुराना हो चुका है। वो तो हमारी जो क्वालिटी एजुकेशन, जहाँ एजुकेशन बात करते हैं, एजुकेशन के नाम से बात करते हैं, उसमें नहीं आता है। क्या आपके बच्चे पढ़ेंगे? बिल्कुल सही है यार, हम चाह रहे हैं ना आपके बच्चों के लिए ना मुस्तकबिल। सर बिल्कुल, या बात सुने ना आप, हम बात बोलने देना। हम एक ऐसा स्कूल बनाना चाह रहे हैं इधर की, जहाँ पर बच्चों के लिए 5 क्लासें भी हों, 5 टीचर भी हो, ग्रेड 1 भी हो, उनके लिए खेलने के लिए थोड़ी सी जगह भी हो, असम्बली के लिए भी जगह भी हो, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर 2 क्लासें हम बनाएंगे तो बाकी जो 3 जो क्लासें बच जाएंगी, हम उन बच्चों को कहाँ बिठाएंगे? अब यहाँ पर बल्तिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे स्कूल है जहाँ पर एक ही क्लासरूम को ना सेपरेट करके, अलग करके ना, वहाँ पर 2-2 क्लासें दी जा रही। हम नहीं चाहते कि अभी वो माहौल दोबारा आ जाए। तो आप तमाम कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट है कि ये आपकी बच्चे, आपके अपने बच्चे हैं, इस इलाके के बच्चे हैं, आपके इस गांव के बच्चे हैं, उनके लिए आप हमें ज़मीन हमें फराम करें, वहाँ पर हम बनाएंगे कम से कम 1 कनाल ज़मीन, अगर हो सके ना उससे भी ज़्यादा आप दे सकते हो तो हमें दे दें, अगर नहीं है तो कम से कम 1 कनाल तो हमें दे दें, ताकि हम मुस्तकबिल में चल कर हम ये इसको ना मिडिल भी हम बना सकते हैं, हाई भी बना सकते हैं। ये आपके अपने बच्चे हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात कर रहा हूँ सर। सॉरी, असल में था 1 कनाल की आप लोगों ने रेट लगाया।